Next example with respect to how to storing negative numbers in the form of 3-bit binary representation. Suppose that अगर किसी variable का size exactly 3 bits है, इन 3 bits के अंदर different different types के binary numbers के हम previous case में देखा था, इन previous examples के केस में जब x का size 3 bit assign किया था, इस x का size के लिया था ऐसा 3 bits, 3 bits के केसेस में x के लिए possible maximum values क्या थे? Positive numbers means possible maximum value means and so on 0, 1, 2, 3. जैसे 3 से कोई भी बड़ा number store कराना start किया like a 4, then 4 immediately convert केस में हुआ था minus 4 में, same as 5 convert केस में हुआ था minus 3 and so on. इस इसका meaning क्या हुआ? 3 bits के अंदर कभी भी 3 से बड़ा positive number store करना possible नहीं, same as इसे examples के थ्रू चेक करेंगे, अगर x का साइज 3 है देन व्हाट इज द दैट नेगेटिव रेंज और मिनिमम रेंज फॉर x, वी कैन टेस्ट बाय यूजिंग दिस एग्जांपल. इन फर्स्ट केस इनिशियली x का साइज के डिसाइड किया अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन, साइज ऑफ x इज 3 बिट्स, देयरफॉर वी आर क्रिएटिंग सम मेमोरी लोकेशन एज p.x, p.x का करंटली साइज क्या है? एग्जैक्टली 3 बिट्स. नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इस कॉम्बिनेशन वाइज 1 बाय 1 सारे के डिस्प्ले करें. फर्स्ट टाइम 3 बिट्स में आसान का क्या करा है? -1, नेक्स्ट टाइम -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 लाइक दैट एंड सो ऑन. चेक करें इस केस में मैक्सिमम वैल्यू कब तक पॉसिबल होगा. फर्स्ट वन p.x में आसान क्या करा है? -1 p dot x equals to -1. सबसे पहले इसे रूल सभी भी सेम ही फॉलो करना है. सबसे पहले -1 का बाइनरी नंबर असाइन कराएंगे इनसाइड लोकेशन p dot x. तो इसके साथ सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है? बाइनरी नंबर ऑफ -1. देन हाउ टू कैलकुलेटिंग बाइनरी नंबर ऑफ -1, एज वी नो एनी नेगेटिव नंबर इज इक्विवेलेंट टू 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ their positive number or positive representations. Means अगर -1 का binary number required है तो -1 का directly binary possible नहीं है, लेकिन 1 का 2's complement possible हो, plus 1 का 2's complement भी कितने bits में calculate करेंगे, x के पास available bits कितने 3, इसलिए operation भी कितने bits में apply करेंगे 3 bits में. check करते हैं. तो सबसे पहले सो ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में -1 का बाइनरी नंबर निकालने के लिए रिक्वायर्ड क्या है? 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1, और 2's 1 का 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का फार्मूला क्या रहेगा? 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 + 1 इज इक्विवेलेंट टू 2's कॉम्प्लीमेंट. सबसे पहले 1 का बाइनरी नंबर राइट करेंगे, देखा जाए तो 1 इटसेल्फ क्या बाइनरी डिजिट, लेकिन इसका बाइनरी नंबर 3 बिट्स में रिक्वायर्ड है, बिकॉज़ x का साइज क्या है 3 बिट्स, इसलिए ऑपरेशन भी कितने बिट्स में अप्लाई करेंगे 3 बिट्स. Remaining times 2 extra zeros case में insert करा लेंगे. This is the binary number of 1 in 3-bit representations. After that, 1 का binary number निकालने के बाद required क्या है? It's 2's complement. 2's complement के according सबसे पहले 1's complement apply करेंगे 1, 1, 0. Add क्या होगा इसमें? 1. Then जो भी इसका addition आ गया, addition किसके equivalent है? Equivalent to 2's complement or we can say equivalent to -1. 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1, 1 plus 0 is 1. This is the binary number of -1. Previous video में भी मैंने आपको show किया था, जब भी आप -1 का binary number निकालोगे, every time क्या आएगा? All bits are 1. Then this is the binary number of -1, 3 times 1. Then 3 times 1 copy किसमें करें? Inside location x, like that. Next time इस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन राइट करने का नेक्स्ट टाइम डिस्प्ले क्या कराया? प्रिंट एप के थ्रू वैल्यू ऑफ p.x में से x का वैल्यू डिस्प्ले कराने के रिस्पेक्ट में वैल्यू अवेलेबल किस फॉर्म में? बाइनरी. डिस्प्ले किस फॉर्म में होना है? डेसिमल नंबर सिस्टम, तो इसलिए इस केस में रिक्वायर्ड क्या हुआ? बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन. करंटली बाइनरी बिट्स क्या है? ऑल टाइम्स 1. जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले चेक हुआ इट्स साइन बिट. साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है इस केस में? 1. तो अगर साइन किसी भी नंबर का साइन बिट 1 फाउंड होता है, इसका डेसिमल नंबर डायरेक्टली अप्लाई नहीं करके सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इट्स 2's कॉम्प्लीमेंट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस रूल्स. अगर आपको क्लियर नहीं देन प्रीवियस वीडियो एक बार फिर से देख के इसको सॉल्व करना पॉसिबल है.
इन दैट केस इस केस में सबसे पहले डेसिमल वैल्यू क्या आएगा, इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ साइन इट इज वन. टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, सबसे पहले वंस, वंस कॉम्प्लीमेंट इज ऑल टाइम जीरो, वन इज एडेड, जीरो प्लस वन इज वन, जीरो जीरो, दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ गिवन बाइनरी नंबर. देन इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, वन, लेकिन साइन बिट वन था इसलिए साइन कौन सा अप्लाई हुआ, माइनस साइन, इसलिए आउटपुट भी क्या मिलेगा, माइनस वन. मीन्स साइन भी क्या कराया था, माइनस वन, और आउटपुट भी क्या मिला इस केस में, ऑल्सो माइनस वन, बिकॉज माइनस वन इज अ वैलिड वैल्यू फॉर थ्री बिट रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट केस में डिस्प्ले क्या हुआ, वैल्यू एज माइनस वन. देन वाट अबाउट इन सेकेंड केस, सेकेंड टाइम एक्स में अगेन क्या आसान कराया है, माइनस टू. फर्स्ट केस में क्या आसान कराया था, माइनस वन. इन सेकेंड केस वी आर असाइनिंग वैल्यू ऑफ एक्स एज माइनस टू आफ्टर सॉल्विंग दैट केस. नेक्स्ट वन, पी डॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस टू. माइनस टू के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे, सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा, बाइनरी नंबर ऑफ माइनस टू, और माइनस टू का बाइनरी डायरेक्टली पॉसिबल, इसलिए बाइनरी किसके निकालेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू. तो टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले रिक्वायर्ड होगा बाइनरी नंबर ऑफ टू, हाउ मेनी बिट्स, थ्री बिट्स, बिकॉज एक्स का साइज क्या है, थ्री बिट्स. टू का बाइनरी नंबर देखा जाए तो बाइनरी क्या है, वन जीरो, लेकिन थ्री बिट्स में इसको कंसिडर किया जाएगा जीरो वन जीरो. टू का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट, वन जीरो वन एडेड बाई वन, वन प्लस वन इज जीरो, कैरी इज वन, वन जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन. दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ माइनस टू, और वी कैन से दिस इज द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू विच इज इक्वलेंट टू माइनस टू. रियल में बाइनरी किसका, सिक्स का, लेकिन थ्री बिट्स में रिप्रेजेंटेशन आर्ट कर दो, इक्वलेंट किसके, माइनस टू के. देन अगर ये पर्टिकुलर मीन्स माइनस टू का बाइनरी क्या कैलकुलेट हुआ, वन वन जीरो. देन ये नंबर आसान कराएं इन साइड लोकेशन पी डॉट एक्स जीरो वन वन लाइक दैट. इसके जस्ट और नेक्स्ट लाइन के थ्रू जब पी डॉट एक्स का वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे, वैल्यू के रिस्पेक्ट में अगेन साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है, वन, इसलिए सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड हुआ, इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट. टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस जीरो जीरो वन ऐड क्या होगा इसमें, वन, वन प्लस वन इज जीरो, कैरी इज वन, जीरो प्लस वन इज वन, वन जीरो प्लस जीरो इज जीरो. डेसिमल वैल्यू क्या है इसका, टू, डेसिमल वैल्यू इज टू, प्लस साइन बिट वन, इसलिए साइन कौन सा अप्लाई हुआ, माइनस. फाइनली इसके इसमें रिजल्ट क्या आएगा, ऑल्सो माइनस टू. मीन्स साइन भी क्या कराया था एक्स के अंदर, माइनस टू, और डिस्प्ले भी क्या हो रहा है इसके इसमें, ऑल्सो माइनस टू, बिकॉज माइनस टू इज वैलिड वैल्यू फॉर थ्री बिट रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट वन, सेकेंड केस, थर्ड केस में आसान क्या कराया, पी डॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री. पी डॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री, प्रीवियस केस में थ्री बिट्स के केसेस में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज क्या थे, जीरो वन टू अप टू थ्री. देन करंट केस में चेक क्या करें, निगेटिव. माइनस वन भी असाइन करना पॉसिबल है, माइनस टू भी असाइन करना पॉसिबल है. नेक्स्ट वन, वी आर असाइनिंग माइनस थ्री हेयर, साइनिंग माइनस थ्री. माइनस थ्री के केसेस में सबसे पहले माइनस थ्री का बाइनरी नंबर रिक्वायर्ड हुआ. रिक्वायर्ड क्या हुआ इस केस में, बाइनरी नंबर ऑफ थ्री विच इज वन वन. ये एक्स्ट्रा बिट क्या ऐड कराएंगे, जीरो. अगेन टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वन जीरो जीरो, ऐड क्या होगा, वन. जीरो प्लस वन इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, वन प्लस जीरो इज वन. व्हाट इज द डेसिमल नंबर, इसका डेसिमल वैल्यू क्या है, डेसिमल की जरूरत नहीं इस केस में, सिंपली माइनस थ्री का बाइनरी नंबर रिक्वायर्ड था, इसलिए टूज कॉम्प्लीमेंट क्या है, वन जीरो वन, इट इज इक्वलेंट टू माइनस थ्री. माइनस थ्री का बाइनरी क्या है, वन जीरो वन. नेक्स्ट टाइम सेम वैल्यू वन जीरो वन आसान किस में जाएगा, पी डॉट एक्स. नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ पी डॉट एक्स इज वन जीरो वन. इन दैट केस, जैसे इस केस में वन जीरो वन आसान कराएंगे, आफ्टर दैट सेकेंड प्रिंट एफ स्टेटमेंट से परफॉर्म क्या कराया, डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ पी डॉट एक्स. अगेन साइन बिट वन है, पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ इसका, टूज कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज निगेटिव नंबर्स का डेसिमल नंबर डायरेक्टली कैलकुलेट करना पॉसिबल. टूज कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग पहले वंस कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड हुआ, जीरो वन जीरो, ऐड क्या हुआ इसमें, वन. जीरो प्लस वन इज वन, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो प्लस जीरो इज जीरो. डेसिमल वैल्यू क्या इसका, इक्वलेंट डेसिमल वैल्यू इज थ्री, प्लस साइन बिट वन था इसलिए साइन क्या अप्लाई हुआ, माइनस, इसलिए डिस्प्ले क्या हुआ इसके इसमें, ऑल्सो माइनस थ्री, बिकॉज
प्रिंट एप के अंदर p डॉट x के प्लेस पर असाइन किया हुआ माइनस थ्री, इसलिए डिस्प्ले भी क्या हो रहा है माइनस थ्री, मीन्स माइनस थ्री भी क्या है ऑल्सो वैलिड वैल्यू। इन नेक्स्ट केस, नेक्स्ट केस में क्या है माइनस फोर, जब सेम केस में माइनस फोर असाइन कराएंगे देन अगेन चेक कर दें माइनस फोर के रिस्पेक्ट में रिजल्ट क्या हुआ इसका। अगेन सबसे पहले माइनस फोर का बाइनरी नंबर रिक्वायर्ड हुआ, व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ प्लस फोर इन थ्री बिट्स 100, देन इसके से माइनस फोर का बाइनरी नंबर किसके इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा पहले वंस कॉम्प्लीमेंट 011, ऐड क्या हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, फाइनली इसका रेट क्या है 100। दिस 100 विल बी असाइन टू द लोकेशन पी डॉट एक्स 001। देन इसका जो डेसिमल वैल्यू डिस्प्ले कराएंगे साइन बिट क्या है इसका 1, नंबर इज नेगेटिव, नेगेटिव तो अगेन टू इज कॉम्प्लीमेंट रिक्वायर्ड होगा, प्रीवियस केस में डिस्कस किया था अगर फर्स्ट बिट 1 है रिमेनिंग बिट 0 है तो इसका टू इज कॉम्प्लीमेंट भी क्या आएगा सेम, डेसिमल क्या है इसका 4 प्लस साइन बिट 1 है इसलिए साइन माइनस अप्लाई करो, फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या मिलेगा ऑल्सो माइनस 4। आउटपुट क्या डिस्प्ले हुआ अगेन माइनस 4, इसका मतलब क्या हुआ मीन्स असाइन भी माइनस 4 कराया था और डिस्प्ले भी क्या हुआ माइनस 4, मीन्स माइनस 4 भी क्या है ऑल्सो वैलिड वैल्यू फॉर 3 बिट रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट टाइम मीन्स इस केस में इंफॉर्मेशन लॉस्ट होने के चांसेस होंगे, चेक करते हैं पहले इसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करा के, तो नेक्स्ट टाइम एक्स में क्या असाइन हो रहा है वैल्यू एस माइनस 5, माइनस 5 के रिस्पेक्ट में भी जब माइनस 5 को एक्स में असाइन करोगे तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या हुआ बाइनरी नंबर ऑफ 5 और वी कैन से टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज इक्वलेंट टू माइनस 5, 5 का टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले 5 का बाइनरी नंबर रिकॉर्ड हुआ 3 बिट्स में विच इज 101, देन अप्लाई करेंगे टूज कॉम्प्लीमेंट 010, ऐड क्या कराएंगे इसमें 1, जैसे इसके इसमें 1 ऐड कराओगे आएगा 0 सॉरी 0 प्लस रिमेनिंग टाइम्स क्या ऐड करें 00, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 0, 1 0 प्लस 0 इज 0, डेसिमल वैल्यू क्या इसका, देन जो भी इसका बाइनरी नंबर आए बाइनरी नंबर आसानी किस में कराएंगे पी डॉट एक्स में बाइनरी क्या फाउंड हो रहा है 011 मीन्स 110। इसे नंबर देखा जाए तो नंबर नेगेटिव था लेकिन फिर भी इसका साइन बिट क्या हो रहा है 0, इसका मतलब ये नंबर कन्वर्ट किस में हो चुका है पॉजिटिव रेंज में, मीन्स चेक करते हैं इसके जस्ट बाद जब पी डॉट एक्स का वैल्यू डिस्प्ले करा हुआ यूजिंग प्रिंट एप, वैल्यू डिस्प्ले कराने के लिए वैल्यू पहले डेसिमल में कन्वर्ट करें, इस बार साइन बिट 0 फाउंड हो रहा है, नंबर कैसा है पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर का डेसिमल डायरेक्टली निकालना पॉसिबल, इसका डेसिमल क्या है ऑल्सो 3, मीन्स इसके इसमें रिजल्ट क्या डिस्प्ले हुआ इन सेम लाइन एस 3, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ माइनस 4 के केस में जैसे इस केस में माइनस 5 आसान कराए तो माइनस 5 ऑटोमेटिकली कन्वर्ट किस में हो गया है 3 में, मीन्स माइनस 4 के जस्ट बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या मिला आपको 3। सिमिलरली जब माइनस 6 आसान कराएंगे तो माइनस 6 के केस में क्या मिलेगा 2, मीन्स नेक्स्ट रेंज, सेम एज जब माइनस 7 आसान कराएंगे तो माइनस 7 के केस में क्या मिलेगा 1, अगेन दैट वन, सेम एज जब माइनस 8 आसान कराएं तो माइनस 8 के केस में क्या मिलेगा 0, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ करेंटली 3 बिट्स के केस में मिनिमम रेंज क्या माइनस 4, मैक्सिमम रेंज क्या 3, मीन्स 3 बिट्स में माइनस 4 से छोटा नंबर और 3 से बड़ा नंबर स्टोर करना पॉसिबल होगा, चेक कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या आसान कराया पी डॉट एक्स इक्वल्स टू माइनस 6, जैसे इस केस में माइनस 6 आसान कराएंगे तो माइनस 6 के रिस्पेक्ट में सेम रूल्स फॉलो करेंगे, सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या होगा टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्लस 6 विच इज बाइनरी नंबर ऑफ 6 इज 110, टूज कॉम्प्लीमेंट इज 001, ऐड क्या होगा इसमें 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 एंड 0, देन इसका डेसिमल क्या है डेसिमल जो भी है मीन्स फाइनली माइनस 6 का बाइनरी क्या है 010, आसानी किस में हो जाएगा लोकेशन एक्स में, लोकेशन एक्स में जब ये बाइनरी नंबर असाइन कराएंगे 010, अगेन साइन बिट क्या फाउंड हो रहा है 0, नंबर इज पॉजिटिव इसका डेसिमल क्या आएगा 2, नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ से क्या डिस्प्ले होगा 2। सिमिलरली नेक्स्ट रिमेनिंग केसेस माइनस 7 के केस में क्या मिल जाएगा आपको 1, सेम एज वाट अबाउट माइनस 8, माइनस 8 का लास्ट केस टेस्ट कर लेते हैं इस केस में,
जैसे x में -8 असाइन कराएंगे तो -8 के रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या होगा, बाइनरी नंबर ऑफ और 2 इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ +8, बाइनरी नंबर ऑफ 8 इज 100। अब बाइनरी नंबर 4 बिट्स में तो 2 इज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन 4 बिट्स में ही अप्लाई करेंगे, देन इन दैट केस सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 0111, ऐड क्या होगा इसमें 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 1 प्लस 1 इज 0 कैरी इज 1, 0 प्लस 1 इज 1। मीन्स 8 का 2 इज कॉम्प्लीमेंट और 8 का ओरिजिनल बाइनरी नंबर दोनों ही कैसे हैं एग्जैक्टली सेम, देन इसको जब x में असाइन कराओ मीन्स फाइनली इसका बाइनरी क्या है 1 3 टाइम्स 0। x में असाइन कराएंगे तो ओनली कितने बिट्स कॉपी करना पॉसिबल, राइट मोस्ट 3 बिट्स विच इज ऑल टाइम 0, दिस वन इज डिस्कार्डेड बिट, ये 0 स्टोर करा इसलिए x का वैल्यू डिस्प्ले कराओ तो रिजल्ट भी क्या आएगा ऑल्सो 0। मीन्स फाइनली 3 बिट्स के केसेस में इन 3 बिट रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज द अलाउड मिनिमम वैल्यू इज -4, अलाउड मैक्सिमम वैल्यू इज +3, दिस इज द रेंज ऑफ 3 बिट। सेम एज आपके लिए 4 बिट और 5 बिट्स का भी रेंज निकालना पॉसिबल होगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू रिप्रेजेंटिंग 4 बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज और डिफरेंट डिफरेंट केसेस।